ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर भी 7 वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, आज इस चैप्टर का हम लोग का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए हैं वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर के जो फैक्टर है वो क्या है, क्लाइमेट के फैक्टर क्या है, फिर पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के क्लाइमेट आप लोगों ने देखा, उन क्लाइमेट में कैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। हम लोगों ने उसमें पोलर रीजन में देखा, पोलर बियर को देखा, पिंगविन को देखा, फिर आप डिजर्ट के बारे में चलिए तो डिजर्ट में भी हम लोगों ने कैमल को देखा, बहुत सारे प्लांट को देखा। आज हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे इस इलाके में सर्वाइव है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर देखा जाए तो हम लोग जिस इलाके में रहते हैं अभी, ये यूपी बिहार पंजाब असम ये सब जो क्षेत्र है, ये सब एरिया जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस इलाके में क्या होता है कि अधिक टेम्परेचर भी है और अधिक रेनफॉल भी रिसीव किए जाते हैं, अधिक बारिश भी होती है। इसका कॉजेस क्या है, ये इक्वेटर से नजदीक होने के कारण, ठीक है सॉरी दूर होने के कारण यहाँ पे अधिक से अधिक आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और इसका कारण है कि बहुत सारे यहाँ पे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, और जहां पे जितना अधिक प्लांट देखने को मिलते हैं वहां पे अधिक से अधिक ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। और सर्वाइव करने का मतलब हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको वहां पे खाने पीने की सारे सामान उपलब्ध हो, साथ में उसको इजीली वो ले सके, इसके अलावा वो थोड़े से उस इलाके में स्ट्रांग भी हो, है ना, और क्लाइमेट में वो चेंज करता हो डे बाय डे। अगर चेंज करने वाले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, अपने आप को अगर क्लाइमेट में नहीं चेंज कर पा रहे होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसके बारे में आप डिटेल्स क्लास 8 में पढ़िएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों के सामने डायनासोर है। ठीक है, डायनासोर सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म रहने के बावजूद भी वो अपने आप को इस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाया और वो यहां से एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, उसकी प्रजाति लाखों साल पहले इस पृथ्वी पर से खत्म हो गए। आज उसके सिर पर से थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए हैं जो म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सर्वाइव करते हैं, उसमें से हम दो पर डिस्कस करेंगे कि ये फीचर्स उसके पास अवेलेबल है जिस कारण से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर जाते हैं, और दो हम आपको होमवर्क देंगे कि दो आप उस पर लिखें, 4-5 पॉइंट आप लिखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स आप देख रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले है लायन। ठीक है, लायन के बाद आप देखेंगे फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के बाद आप देखिए मंकी। ओके, मंकी, और मंकी के बाद आप देखेंगे एलिफेंट। ठीक है, ये चार चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो और भी कुछ ऑर्गेनिज्म को इसमें से ले सकते हैं, और भी कुछ ऑर्गेनिज्म वो अपने आसपास में जो दिखता है उसको आप ले सकते हैं। इसमें क्या है जो इस तरह से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आप सबसे पहला पॉइंट अगर देखिए लायन के ऊपर, तो क्या होता है कि इसके पास एक सबसे पहले तो स्पेशल कलर है इसका खुद का। ठीक है, क्या लिखेंगे, लायन है स्पेशल कलर टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात है इसके कलर के कारण ही, इसके दो फायदा इसको ये होता है कि अगर ये किसी पर अटैक करने जा रहा है तो वो उस झाड़ी में उस कलर में मिल जाएगा। देखते हैं ना ये कैसे होते हैं, कलर येलोइश टाइप का होता है। ठीक है, तो इस टाइप में वो मिल जाते हैं और वो उस पर अटैक करके उसको पकड़ लेते हैं, जिससे उसका भोजन हो जाता है, उसका ये काम चलता है। अगर इस पर कोई अटैक करने वाला है, वैसे तो इसको जंगल के राजा कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस पर कोई अटैक करने वाला है तो भी उस झाड़ी में उस कलर में वो गुम हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो गुम हो गया, जिस कारण से वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और देखिए
जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अधिक पेड़ है, तो जब बहुत ज्यादा पेड़ है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाएंगे जो पेड़ को खा करके उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मान लीजिए कि गोट है ना, गोट हो गया और डियर हो गया, ये दोनों की अगर बात करें तो गोट और डियर बहुत ज्यादा है यहाँ पर इस इलाके में। तो अब इसको जो है वो खाएंगे, कौन खाएंगे, लायन खाएंगे। तो ये इसके फूड हो गए, ठीक है, अवेबिलिटी लिख सकते हैं, ये इसके अवेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन ये इसका फीचर्स नहीं हुआ, गोट एंड डियर अवेबिलिटी, ये इसके फीचर्स नहीं है। अब इसके पास क्या होगा, लॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ, ठीक है, टू कैच एंड टीयर प्रे, ठीक है, ये आसानी से लंबे और जो नुकीले दांत है जिससे वो पकड़ सकता है किसी और निजम को, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसके जो क्लॉज है नख, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड बिग क्लॉज हेल्प्स इन कैच प्रे, ओके, ये लंबे और बड़े जो आपको दिख रहे हैं इसके जो नख है ये उसको कैच करने में, किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ने में, आप देखते होगा वो एकदम उछल करके डियर को पकड़ लेता है। तो इस तरीके से ये इतने आपको देखें, ये फीचर्स आपके पास हैं। इसके बाद इसके कुछ और भी फीचर्स है, नाइट में इन ऑर्गेनिज्म को देखने की क्षमता हम लोगों से ज्यादा है, ठीक है, ये सेंसिटिव टू लाइट में भी हम लोगों से ये ज्यादा देख सकता है अंधेरे में। मैं ऊपर का एरिया मिटा रहा हूं, ओके, आप इसको नोट करेंगे, अंधेरे में भी ये ज्यादा से ज्यादा देख सकता है, ये भी इसमें फीचर अवेलेबल होता है। क्या लिखेंगे, लायन कैन सी बेटर देन अदर एनिमल ओके एट नाइट। नाइट में ये दूसरे एनिमल की अपेक्षा अधिक बेहतर ढंग से देख सकते हैं। मान लीजिए दूसरे ऑर्गेनिज्म हमको देख ही नहीं रहा और हमको कोई देख लिया, तो ऐसे में क्या होगा कि वो देख ही नहीं पाएगा, लेकिन लायन उस पर अटैक कर देगा, उसको पकड़ लेगा। तो अब आप कहेंगे कि हो सकता है ऐसे केस में तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो तो विलुप्त हो जाएगा, उसकी स्थिति जो बिगड़ जाएगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, डियर है, गोट है, उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट होती है वो लायन की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है, उसके बच्चे ज्यादा होते हैं और सर्वाइव करते हैं और उसको ये खा करके। तो ये एनवायरमेंट के लिए काफी फायदे की भी बात है कि बहुत सारे प्लांट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गोट एंड डियर मौजूद है, या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में अवर एनवायरमेंट क्लास 10 के चैप्टर में कि कैसे एक दूसरे को बैलेंस करता है, खा करके उसको कंट्रोल करता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो ये लाइन का स्पेशल फीचर रहा जिसके चलते लाइन हम लोग के इलाके में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, ये बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉग के ऊपर, आप मंकी और एलिफेंट को खुद लिखोगे, अब हम फ्रॉग के ऊपर देखते हैं कि फ्रॉग का क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण से वो हम लोगों के एनवायरमेंट में सर्वाइव है, ठीक है। सबसे पहला है कि फ्रॉग हमारा सबसे पहले एम्फीबियंस है, ठीक है, फ्रॉग इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब समझ लीजिए एम्फीबियंस, दैट्स वाई, ठीक है, फ्रॉग कैन लीव वाटर एंड लैंड बोथ। ये एम्फीबियंस हैं, यही कॉज है, एम्फीबियंस भी इसीलिए है क्योंकि ये दोनों जगह रह सकते हैं। हालांकि इसकी और कॉज है, जब ये जन्म लेता है तो इसका आधा जीवन पानी में समाप्त होता है, आधा फिर जमीन पे, ठीक है, समाप्त होते हैं। तो ये एम्फीबियंस होने के कारण ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जब इसको जरूरत पड़ेगा जिस जगह पर रहना है उस जगह पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रॉग हैव ठीक है यूनिक जंपिंग कैपेसिटी, ठीक है, जंपिंग कैपेसिटी आप देखिएगा, ठीक है, यूनिक जंपिंग कैपेसिटी, जब उसके आप नजदीक जाते हैं एक बार उछल करके वो भागेगा,
और अगर उसको किसी को पकड़ना है, वो कि इंसेक्ट वगैरह को पकड़ना है, तो एक बार उछल करके उसको पकड़ भी लेगा। तो दोनों स्थिति में दूसरा उस पर कोई अटैक करे जिससे बचने का उसके पास साधन है, वो जंप करके भाग जाएगा, और वो किसी और पर अटैक करे तो दूर से ही अटैक कर लेगा जिसके कारण से उसको पकड़ सकता है और उसकी पेट भर सकती है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि नहीं सर, वो तो फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म की संख्या दिनों दिन बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यहां भी वही बातें हैं, जैसे मान लीजिए इसका ग्रास हॉपर इसका फेवरेट फूड है, ठीक है, तो उसको पकड़ना है, तो ग्रास हॉपर की संख्या तो एकदम मिलियन मिलियन में। आजकल तो लोकस्ट जो टिड्डी दल सुनते हैं कि इंडिया में अटैक कर रहा है, तो वो उसके माध्यम उसकी संख्या बहुत ज्यादा, जितना भी खाएगा वो कम नहीं होगा, उसकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। तो ये जंपिंग कैपेसिटी के कारण उसको पकड़ पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेशन कैपेसिटी जो इसकी होती है, रेस्पिरेशन कैन बी परफॉर्म लैंड एंड वाटर, ये वहां भी पानी में छुप भी जाएंगे तो ये रेस्पिरेशन करेगा, ये पानी में मरेगा नहीं, ये इसके पास फीचर अवेलेबल है, ठीक है। फ्रॉग को आप देखिएगा कि इसके बॉडी, इसके माउथ बड़े होते हैं, इसको नेक नहीं होता है, ठीक है, गर्दन नहीं होते हैं, और ये किसी भी चीज को पकड़ेगा तो दूर से ही ये टंग जो है उछालेगा और उसको पकड़ लेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉग हैव लॉन्ग टंग, ओके, टंग जो लंबा है ना, ठीक है, बाय विच कैच प्रे, ठीक है, ये लंबा होने के कारण ये प्रे को भी इजीली पकड़ सकता है, ये इसमें फीचर्स अवेलेबल है। इसके बाद देखिए ये अपना इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति होते हैं, है ना, ये बहुत ऐसे प्रजाति आपको मिलेंगे जो पेड़ पर चढ़ जाएंगे, पेड़ के पत्ते वाले कलर में छुप जाएंगे, बहुत ऐसे होते हैं जो घर में भी आ जाएंगे, ठीक है। इट कैन ऑल्सो सर्वाइव, है ना, ये कहां कहां सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव ऑन ट्री हो गया, होम, घर में भी सर्वाइव कर जाएंगे, गुफो जो फ्रॉग की प्रजाति होती है वो घर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ट्री, फ्रॉग, लैंड, ठीक है, ईटीसी, ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद इट कैन फाउंड डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर में भी देखने को मिलते हैं कि जहां भी किसी से सेव होना है, अगर ये प्लांट के ऊपर बैठा हुआ है, अगर किसी से अटैक से बचना है तो प्लांट के कलर वाले उसमें वो है तो उसमें वो छुप जाते हैं, और किसी पर अटैक भी करना है उस पर भी ये रह जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, एबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ इंसेक्ट, इतने इंसेक्ट है कि यहां पे सरवाइव करना इन ऑर्गेनिज्म के लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चार पांच पॉइंट आपने फ्रॉग के बारे में लिखा कि ये इस कारण से सरवाइव हो सकता है, और भी आप बहुत, आप मंकी के बारे में आप लिखें तो मंकी क्या करता है, मंकी यूज करता है अपना सोल और पाम ग्रिप करने में, किसको, पेड़ को ग्रिप करने में, ये उसके पास फीचर्स है। ये टेल को भी लपेट लेगा डाली पे तो ये उससे भी लटक सकता है, ये भी इसका फीचर्स है, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को खा सकता है, पेड़ पे सबसे ऊपर चढ़ गया और कुछ भी खा सकता है ये इसके, और ये इतना ही नहीं, फ्रूट्स और अदर चीजों को खा करके भी, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, किसी एनिमल को नहीं खाता है, लेकिन फ्रूट्स और बहुत सारे ऐसे प्लांट है, अनाज है, इतने सारे सीरियल्स है, अनाज यहाँ अवेलेबल है, उसको खा करके इस इलाके में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। ये सब इसके स्पेशल फीचर्स हैं। तो हम लोगों ने लायन और फ्रॉग का स्पेशल फीचर्स हमने देखा कि चार पांच ये सब चीजें होती हैं जिस कारण से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करने की क्षमता इसमें होती है, है ना। अब आपका काम है कि मंकी को और एलिफेंट के बारे में आप खुद लिखेंगे, और ये आपका होमवर्क है। एलिफेंट के पास भी स्पेशल फीचर्स है, ये ऊपर भी खा सकता है, नीचे भी खा सकता है ना, नीचे का भी घास ये खा सकता है, ऊपर का भी घास खा सकता है, तो इतने सारे फीचर्स हैं। सामने जो आप दांत देख रहे हो हाथी को, एलिफेंट को, ये क्या है, सिर्फ ये बड़े बड़े मोटे जो लॉग है उसको उठाने के लिए है, लेकिन अगर ये खाने की अगर बात हो तो इसके पास पीछे माउथ में अंदर बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं जिसके कारण ये खा सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स मंकी और एलिफेंट में अवेलेबल है,
जो आप लिखेंगे इस दोनों के आधार पे और अपने आसपास और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, आप चाहें तो दो चार और ऑर्गेनिज्म के फीचर्स लिख सकते हैं। तो अब जो है हमारा ये चैप्टर, आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो है, आप इसका फेयर करेंगे, 7 चैप्टर तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग विंड साइक्लोन एंड स्टॉर्म नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसको बुक्स को एक बार रीड करके, आप जैसे ही हम लोग एक चैप्टर का बनाना शुरू करेंगे तो बुक को रीडिंग करेंगे, इसका आप काम करने के बाद चैप्टर 8 रीड करेंगे, जिसमें से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन जो होमवर्क है आपको इस दोनों का फीचर्स लिख करके आपको भेजना है, इसको सेंड करिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।